माइक मंगवाते, आपके लिए माइक मंगवाते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा आप भी यार एक माइक दे दो, बच्चे ज्यादा मूड में आ गए हैं। रैप ये बिहारी का रैप बना के गाएंगे, कह तड़त रिझत खिझत ऐसा करके कुछ रैप बनाओ। मिल गया आचार्य जी को, मिल गया, फिर से सुनाएंगे खड़े हो गए। हाँ सुना दो। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, बहुत बढ़िया। वो ना आए हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। उनको दो बस आखिरी ये सुनाने, बड़ा अच्छा सा। आपका नाम क्या है? पीयूष। हाँ सुना दो भाई। अच्छा है मोहब्बत हयात की लज्जत वरना कुछ लज्जत हयात नहीं, है मोहब्बत हयात की लज्जत वरना कुछ लज्जत हयात नहीं, इजाजत हो तो एक बात कहूं वो मगर खैर कोई बात नहीं। आप सोच रहे हैं कि लज्जत पापड़ बीच में कैसे आ गया? हयात का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। स्वर्ग यार हम भी एक पेश करेंगे, कर लो भाई पेश कर लो। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत नजरों से होती है, लोग कहते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत नजरों से होती है, हमने इश्क फरमाते तो उन्हें भी देखा है जिनके आंख नहीं होती। ये बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा, ये भी देखिए बिगड़ गया आपकी संगत में आके। देख पालकी जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, ठीक। देख पालकी जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीतेगी, और एक रोज सपनों में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं माइक वहां से उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसके आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे सकाज भी है, और नाव पर बैठ कर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी। हो गया शांति मिल गई आपको। ये जैसे पद्मावती होगी जरूर, वो नाव पर बैठकर उसने धोए थे हाथ कभी, पूरे तालाब में उसके मेहंदी की सुगंध आज भी है, पद्मावती रही होगी। जही दिन दसन ज्योति निर्मयी, वैसा मामला है। लेकिन आप चेहरे पे चमक देखो कितनी है, रोज पढ़ते रहते थे चमक नहीं आती थी, आज जो चमक आई है ना, ऑल थैंक्स टू बिहारी लाल, ध्यान रखना है। अब प्रभु शुरू कर दे पढ़ाई, करे शुरू। चलिए आप लोग ज्यादा इसी को बोलते हैं जो छंदों का अजायब घर हुआ था ना, अराजकता आ गई थी छंद में, मौलिकता नवाचार ठीक है, पर जब नवाचार अराजकता होने लगे तब समस्या है। अभी हुई नहीं है, बस होने वाली है इसके बाद, अब पढ़ाई कर लेते हैं। लौटिए तो कहत नरत के मामले में ध्यान रखना है कि इन्होंने बहुत कम वर्णन किए, ब्यौरे बहुत कम दिए, और पाठक से उम्मीद की कि वो खुद ब्यौरे जुटा ले। तो कहाँ की बात है हमें नहीं पता, अनुमान करते कोई ऐसा प्रसंग है जहां पर एक समाज बैठा हुआ है। कहत क्योंकि भारतीय समाज है तो हम अनुमान करते हैं कि पुरुष ने ही शुरुआत की होगी बातचीत की। भारतीय समाज में ऐसी बातचीत की शुरुआत करने का ठेका किसको दिया गया है? पुरुष को। तो स्त्रियों से अपेक्षा है कि वो थोड़ा संकोचवती हैं, लज्जावती हैं। कोई लड़की खुद कह दे कि तुम मुझे बहुत पसंद आ रहे हो, नीच टाइप की है तो बहुत ही, ये तो ऐसे ही है आवारा टाइप की लग रही है मुझे, तो बड़ा दबाव रहता है लड़कियों पर। अगर मन में आ भी रहा हो तो भी कह नहीं सकते, कहते ही दूसरे निष्कर्ष निकल जाते हैं। तो फिर वेट करती है कि ये कहे तो मैं जवाब में हाँ बोलूंगी, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी। तो लड़के ने कहा होगा कहत, इशारे से कुछ कहा कि चलो चलते हैं, कहाँ शोक सभा में बैठी हो, चलो बाहर चलते हैं। नायिका के चाचा जी मरे हैं तो वो कैसे चली जाए बेचारी। उसने आंखों से डांटा, मतलब मना किया, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी चाचा जी। नायक इसी पर रीझ गया कि क्या मना किया है यार। नायक बहुत ही फुकरा किस्म का नायक है दरअसल, इतना फुकरा है कि नायिका के मना करने पर ही रीझ गया है कि क्या मना कर देती है। इस बात से नायिका खींच गई है कि कितना चीप टाइप का आदमी है, मना करनी उसके बाद उसी पे खुश हो रहा है कमबख्त, खिजत। फिर नायक ने इशारे से माफी वाफी मांगी होगी, नायिका ने माफ कर दिया होगा, तो फिर मिलत, दोनों की मतलब बात हो गई, अब्बा हो गई, मतलब जो कट्टी हो गई पहले अब्बा हो गई। फिर दोनों इसी बात पे खेल पड़े, हंस पड़े हैं, खिलत, और मतलब इसमें ये हो गया कि थोड़ी देर में चलेंगे। और इस बात से नायिका लज्जा गई है कि देखो लोग क्या सोच रहे होंगे आसपास, लजियात।
सात शब्द हैं पहले वाक्य में, सातों क्रियाएं हैं। ऐसा वाक्य पूरे हिंदी साहित्य में एक भी नहीं मिलेगा आपको। सात शब्द, सातों क्रियाएं, ना कोई संज्ञा, ना कोई सर्वनाम, ना विशेषण, ना कुछ और, सब क्रियाएं। और आमतौर पर एक क्रिया एक वाक्य को बनाने के लिए आती है। एक वाक्य में सात शब्दों में सातों क्रियाओं का होने का मतलब होगा कि जो बात सात वाक्यों में कोई पूरी करता, इन साहब ने एक वाक्य में पूरी कर दी है, इसका मतलब ये हुआ। तो कोई क्यों ना कहे कि बिहारी का काव्य गागर में सागर है, यही तो सागर भरने की कला है, और क्या कला है। खैर, दूसरे पर आइए।